छतरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लोहिया के समर्थन में प्रचार से कुछ वक्त पहले ही दिग्गज वोट मांगने के लिए उतरे बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल ने भी चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। सतीश लोहिया के समर्थन में राजबब्बर बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। सतीश लोहिया से वोटिंग से पहले बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। चुनाव के मद्देनजर प्रचार आखिरी दौर में है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अमीषा पटेल यहां पर छतरपुर के कांग्रेस प्रत्याशी सतीश लोहिया के लिए प्रचार के लिए मौजूद रही। सतीश लोहिया से बात करते हैं। अमीषा पटेल कह रही थी सभी मतों का प्रचार है, आपके पास को बल मिला होगा। बिल्कुल, अमीषा जी ने बोला कांग्रेस से प्यार है, पूरी जनता को कांग्रेस से प्यार है। थोड़ा सा पीछे जा भाई, भाई जनता बाहर लो लो आप देख रहे हैं जिस तरह से जनता किसी से हमारी टक्कर होगी। 11 तारीख को आप देखेंगे कि कांग्रेस का परचम लहराएगा और छतरपुर विधानसभा कांग्रेस। राजबब्बर ने भी आपकी तारीफों के पुल बांध दिए, कहा कि आला कमान का आदेश आया है, पूरा वेट छतरपुर पे डालना है, ऐसा क्या रखा है छतरपुर में आशीष? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस की जो जनता है यहाँ की उनको कांग्रेस चाहिए। अब उन्होंने देख लिया कि 5 साल आम आदमी की सरकार रही है, उन्होंने देख लिया कुछ भी नहीं कर पाए, तो उनको वही शीला दीक्षित की दिल्ली याद आ रही है। संयोग है या प्रयोग, इस तरह का कटाक्ष किया प्रियंका गांधी ने, आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो हावी होंगे इस बार के इलेक्शन? बिल्कुल होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल हावी होंगे। आप जिस तरह से देख रहे हो कि बीजेपी जो गंदी राजनीति कर रही है, आम आदमी जो गंदी राजनीति कर रही है, वो इसको जनता 8 तारीख को बता देगी इनको कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप देख रहे हो किस तरह से आम आदमी का निकला सुने चलवाई और ये बीजेपी आप देख रहे हो कि देश को बांट रही है, उसी को कटास के प्रियंका जी ने प्रियंका जी ने रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, रोजी रोटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, देश को बांट नहीं मिले गए, तो उसका नतीजा आपको 8 तारीख को पता चला। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो एक हमारी सीएम थी शीला दीक्षित जी, दूसरी के शीला दीक्षित जी, उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल का इनोवेशन किया था जो नारियल पूरा था, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, सबसे पहले तो शीला दीक्षित का काम होगा हुआ उसको पूरा करेंगे और फिर यहाँ पे जितनी भी सड़कें टूटी हुई है, गंदा पानी जो पीने को मजबूर है लोग, उसको ठीक करेंगे और यहाँ पे जो बच्चों के लिए कॉलेज कोई नहीं है, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है कोई नहीं, फिर उसके बाद वो काम शुरू करेंगे जो जनता के बीच में जो समस्या है उनको पूरा करेंगे। आप कहते रहे हैं बीजेपी से आपका बहुत सामना है, आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण का ऐलान कर दिया है, लग नहीं रहा है कि कॉम्बिनेशन होगा तो बीजेपी हावी हो सकती है या फिर कांग्रेस के लिए इसका बेरोजगारी आर्थिक व्यवस्था है। जनता समझने आपसे क्या कहा कि राम मंदिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 370 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, हम ये नहीं कहते कि मंदिर मत बनाओ, मंदिर बनाओ लेकिन जनता को रोजगार तो दो, युवाओं को शिक्षक तो बनाओ, युवाओं को रोजगार दो, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या मंदिर बनाने से युवाओं का गुजारा चल जाएगा या जनता का पेट भर जाएगा, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो जो मर्जी कहे, हमें जनता के बीच में रहना है और जनता के रोजगार की बात करनी है। तो ये सतीश लोहिया का आत्मविश्वास आप देख सकते हैं, लगातार जो स्टार प्रचारक है वो छतरपुर विधानसभा में आते जा रहे हैं अपनी कांग्रेस की सरकार को बल बढ़ाने के लिए। कैमरा मैन के साथ दिल्ली।